दोस्तों वेलकम टू जीके क्विज बकर्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थितियाँ पढ़ेंगे हम कि किस समय सूर्य ग्रहण होता है, किस समय चंद्र ग्रहण होता है। इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। और हम कुछ नए नए टॉपिक्स के ऊपर आपसे रोज़ की रोज़ डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कि सूर्य ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की स्थिति, यानी कब सूर्य ग्रहण होगा, ये सूर्य कब आगे होगा कब पीछे होगा, इस समय इस तरफ से आपको बताएंगे, ठीक है। तो ऐसा एक ट्रिक होगी हमारे पास, सूर्य ग्रहण समा जलता है, सूर्य ग्रहण में लगा लेना बीच में आप, सूर्य ग्रहण में समा जलता है, ठीक है। तो सन हो जाएगा यानी सूर्य हो जाएगा आगे, मून बीच में हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगी पीछे, ठीक है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। ये आप ठीक याद रखिएगा कि सूर्य ग्रहण में समा जलता है। समा मतलब SMA, यानी जो हमारा मून होगा यानी चंद्रमा होगा वो बीच में होगा, सूर्य आगे होगा पृथ्वी पीछे होगी, यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है यानी मून आ जाता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है दोस्तों। इसे याद रख लेगा, अच्छी ट्रिक है। और सूर्य ग्रहण जो होता है वो हमेशा अमावस्या के होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं सूर्य ग्रहण कब होता है, आपको दे देंगे ऑप्शन में अमावस्या, पूनम, ऐसा कुछ दे देंगे तो आपको लगाना है अमावस्या, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा अमावस्या। नेक्स्ट है कि एक वर्ष में जो होता है 7 बार सूर्य ग्रहण होता है, कितनी बार होता है सूर्य ग्रहण, 7 बार सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य जो होता है सौरमंडल का कहता है प्रधान होता है, मतलब मेन होता है। और नेक्स्ट है कि सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं, 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है, यानी सूर्य की किरणें जो होती है जब सूर्य निकलता है तो 8 मिनट 16.6 सेकंड में ये यहाँ पर पृथ्वी पर सतह पर पहुंच जाता है, ठीक है याद रखिएगा। और सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास में तापमान से 1500 डिग्री कम होता है, यानी सूर्य के जो धब्बे होते का तापमान होता है धब्बे का वो आसपास के तापमान से 1500 डिग्री कम होता है, ठीक है याद रखिएगा। और सूर्य हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा क्या है हमारा, सूर्य है, ये आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं चंद्र ग्रहण में सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति। अब जैसे चंद्र ग्रहण का देखो, आप याद रखिए चंद्र कब निकलता है, शाम यानी रात को निकलता है, तो शाम से याद रखते शाम, तो SAM, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है यानी अर्थ आ जाती है, ए से आप जा सकते हैं अर्थ, ठीक है, एस सन, ए अर्थ और एम मून, ये आप अर्थ में ए का जो आ रहा है साइलेंट आ रहा है, मतलब कुछ साउंड आ रहा है ए का, इसलिए हम ए को अर्थ मान रहे हैं, ठीक है। अब सन में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, ये आप याद रखिएगा। शाम से याद रख सकते हैं आप शाम, ठीक है, शाम से याद रख सकते हैं SAM, शाम, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या जाती है, अर्थ आ जाती है यानी पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट है कि जब इसका जो नोट लिखा है कि जब सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी आ जाती है क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है याद रखिएगा आप। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, ये भी आप याद रखिएगा, पूर्णिमा को हमेशा चंद्र ग्रहण होता है यानी पूर्णिमा की रात को होता है। और एक वर्ष में ये भी 7 बार चंद्र ग्रहण होते हैं, 7 बार क्या होते हैं, सूर्य ग्रहण होते हैं, और 7 बार कितने होते हैं, चंद्र ग्रहण होते हैं, याद रखेगा, ठीक है दोस्तों। और चंद्रमा पर धूल के मैदानों का शांति सागर कहते हैं, जो चंद्रमा पर धूल रहती है, धूल के मैदान होते हैं, उनके कहते हैं शांति सागर कहते हैं। और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र क्या है, उपग्रह है, ये भी आप याद रखेगा। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले जो विज्ञान होता है उसे कहते हैं सेलेनोलॉजी, ठीक है याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है याद रखिएगा, जीवाश्म ग्रह क्या किसे कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है, ये आज का मेन क्वेश्चन हो गया हमारा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और इसमें बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूज होते हैं। 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है पृथ्वी चंद्रमा की परिक्रमा, और तथा इस इतने समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है, यानी एक
चक्कर लगाता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई देता है, इसलिए हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, अब जो ये हमारा नेक्स्ट है कि सूर्य के ग्रहों का बढ़ता क्रम। अब जैसे कि सूर्य के बाद क्या आता है, फिर क्या आता है, वेनस आता है, फिर क्या अर्थ, इसे मतलब बढ़ता क्रम हमें देखना है सूर्य के बाद। तो हम याद रखते हैं इसमें ट्रिक है कि BSP नेता मायावती यानी MB ग्रहों पर सेव खाती है, मतलब BSP MB सेव, BSP नेता मायावती जो है वो ग्रहों पर क्या खाती है, सेव खाती है। तो इससे याद आई ट्रिक है हमारी उससे कि बी से बुध हो जाएगा, ऐसे शुक्र, पी से पृथ्वी, एम से मंगल, बी से बृहस्पति, ए से शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, यानी मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आपको इंग्लिश में याद करने की ज़रूरत है और हिंदी में तो आपको ट्रिक हो गई, यानी आपको हिंदी में इंग्लिश में अगर आपको कन्वर्ट करना आता तो आप इजीली आपको याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसकी ट्रिक हो गई, क्या हो गई कि BSP मायावती सेव खाती है। ठीक है, ग्रहों पर क्या खाती है, सेव खाती। नेक्स्ट है कि BSP का जो MB सेव खाती है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास नोट है कि सौरमंडल में शनि के सबसे अधिक उपग्रह है, सौरमंडल में शनि के सबसे अधिक उपग्रह हैं। ठीक है, याद रखिए सबसे अधिक इसके उपग्रह हैं। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, लाल ग्रह किसको कहते हैं, मंगल को कहते हैं, और इसके केवल दो उपग्रह हैं, कौन कौन से हैं, फोबस और डीमोस, ये इसके उपग्रह हैं। और बुध का कोई उपग्रह नहीं है, सूर्य के सबसे निकट है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध, ये भी याद रखिएगा। शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकट होता है और सबसे चमकीला, सबसे गर्म होता है। दोस्तों इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसमें आपसे पूछ लेंगे सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, वो भी शुक्र है। सबसे छोटा जो है बुध है। सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो कौन सा है, वो बुध है। और कोई ऐसा कौन सा जो ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, वो है बुध। तो इससे आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं। पृथ्वी जो एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है, और नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है, पृथ्वी, ये तो इजी क्वेश्चन है। मंगल जो है यह लोह ऑक्साइड के कारण लाल होता है। मंगल किसके कारण लाल होता है दोस्तों, लोह ऑक्साइड के कारण लाल होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है। बृहस्पति जो होता है यह सबसे बड़ा ग्रह होता है, बृहस्पति नाम से बड़ा लग रहा है कि बृहस्पति यानी बड़ा, बस आप याद रख सकते हैं बड़ा है। और इसके उपग्रह जो होते हैं पीले हैं, ये भी याद रखें, पीले उपग्रह होते हैं। शनि यह आकाश में पीले तारों के समान दिखाई देता है, ये भी आप याद रखिएगा। और अरुण जो होता है लेटा वग्रह, अब लेटा वग्रह कैसे कहते हैं, अरुण को कहते हैं। इसकी खोज जो हुई थी 1781 में विलियन हर्शल द्वारा की गई थी, ये आप याद रखिएगा। विलियन हर्शल द्वारा किसकी खोज की गई थी, अरुण की खोज की थी। और वरुण की खोज की थी 1846 में जर्मन वैज्ञानिक जहान गाले ने की थी। ये हरे रंग का उपग्रह है, कौन सा, वरुण, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए हमारे साथ, जो भी आपको डाउट होता है सारे कमेंट करिए, आपको जो जो टॉपिक पढ़ने हैं वो सारे कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो करके हमें बता सकते हैं डायरेक्ट मैसेज करके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।